हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो आप सबको स्वागत है वॉच एंड लर्न की एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यार मैं आज की इस वीडियो में लोगों को बताने वाला हूँ सैमसंग के कुछ फोन्स के बारे में, जिनको नया कुछ अपडेट्स आया है, या फिर आप कह सकते हैं सैमसंग की जो फोन जिन फोन्स के अपडेट्स आए हैं उन्हीं के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि उनमें सैमसंग क्या कुछ नया इंक्लूड करा है या फिर कौन सा है वो अपडेट। तो मैं इसी आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, आपका वीडियो को जो स्टार्ट कर देता हूँ। ओके गाइस, आप इस चैनल पर नए हैं और इस बंदी को पहली बार सुन रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो गाइस यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को और घंटे ऑप्शन को दबा लो, क्योंकि घंटे ऑप्शन नहीं दबाओगे तो मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। तो गाइस यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को और घंटे ऑप्शन को दबा लो। तो गाइस यार बात करते हैं आज की इस वीडियो को, तो सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग की जो A10 A10 Plus है इन दोनों डिवाइस के बारे में। तो गाइस यार सैमसंग की जो A10 A10 Plus है इन दोनों डिवाइस का एक नया अपडेट आया है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, जो लोग एंड्रॉइड पाई का जो बेटा वर्जन यूज़ कर रहे हैं उन्हीं को सिर्फ ये अपडेट मिलेगा, क्योंकि सैमसंग जब से इसका पाई का बेटा वर्जन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, उसके बाद जिन जिन लोग रजिस्ट्रेशन किया था एंड उसके बाद अपडेट किया था एंड्रॉइड पाई का जो बेटा वर्जन है उसमें, तो यहाँ पर जो उन लोगों को ही सिर्फ ये अपडेट मिलेगा, यानी कि आपको ये फोर्थ बेटा अपडेट मिलेगा। तो अगर जिन लोग अभी तक अपडेट नहीं किया है तो वो लोग अपडेट कर लेना, क्योंकि आपका जो बेटा वर्जन है उसमें बहुत सारा ऐसा बग होता है जो कि आपका जो फ़ोन है उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करता है, और ये अपडेट करने के बाद जो है आपका वो प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाएगा। तो अगर जो है सैमसंग बहुत जल्दी A10 Plus को भी जो है एंड्रॉइड पाई का अपडेट दे देगा, शायद 1 या 2 महीने भी सैमसंग जो है इसका पाई का ऑफिशियल बेटा वर्जन जो है रिलीज़ कर दे, मतलब बेटा वर्जन नहीं, जो सैमसंग की जो ऑफिशियल जो अपडेट है स्टेबल फर्मवेयर अपडेट, वो सैमसंग शायद 1 या 2 महीने के अंदर ही सैमसंग जो है A10 Plus में जो है दे दे। क्योंकि सैमसंग की जो नोट 8 था उसमें क्या हुआ था, कुछ दिन पहले उसमें फोर्थ बेटा अपडेट आया था, उसके बाद सैमसंग जो है या शायद 2 दिन पहले जो है सैमसंग इसमें जो है जो स्टेबल फॉर्म अपडेट है उसके बाद जो है दे दिया था। तो बस शायद सैमसंग की A10 Plus में भी ऐसा ही होगा कि सैमसंग की जो A10 Plus है इन दोनों डिवाइस में जो है आपको स्टेबल फॉर्म अपडेट शायद 1 हफ्ते में या फिर 1 महीने में मिल जाए। तो ऐसे मैं आपको कंफर्म बता नहीं सकता, क्योंकि सैमसंग जब भी कोई रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग अपडेट देगा मैं आप लोगों को इस चैनल पर बता दूंगा। और गाइस इसकी फाइल की साइज की बात करो तो यहाँ पर 470 MB के आसपास इसका फाइल साइज था। तो जिन लोग अभी तक अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लेना, क्योंकि इससे आपका फोन का जो बग था वो फिक्स हो जाएगा। तो गाइस अगर बात करते हो मैं नेक्स्ट डिवाइस के, जिनको नया अपडेट मिला है वो है सैमसंग का S9। तो यहाँ पर सैमसंग की जो S9 है इसको एक नया अपडेट मिला है, लेकिन ये अपडेट जो आपको देखने को मिलेगा जर्मनी में, क्योंकि सैमसंग जो ये अपडेट जो है रिलीज़ करा है जर्मनी में विथ फेब्रुअरी सिक्योरिटी पैच 2019। तो यहाँ पर फेब्रुअरी की सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलता है जो कि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। तो यहाँ पर जो है जर्मनी में ये अपडेट सैमसंग रिलीज़ करा था और इसका फाइल साइज था तकरीबन 350 MB के आसपास। तो यहाँ पर जो ये हो गया सैमसंग की S9 की बात। तो यहाँ पर बात करते हैं मैं नेक्स्ट डिवाइस के, जिनको नया अपडेट मिला है वो है सैमसंग की Note 9। तो गाइस अगर सैमसंग की जो Note 9 है इसको एक नया अपडेट मिला है और इस अपडेट के साथ सैमसंग जो रिलीज़ करा है फेब्रुअरी 2019 की सिक्योरिटी पैच। तो अगर सैमसंग जो बहुत जल्दी जल्दी रिलीज़ कर रहा है उसकी फेब्रुअरी सिक्योरिटी पैच जो कि 2019 का है। तो यहाँ पर जो है सैमसंग ये अपडेट रिलीज़ करा है रशिया में। तो अब जो है सैमसंग पिछला जो महीना था उसमें सैमसंग क्या कर रहा था कि उसमें बहुत धीरे धीरे सैमसंग रिलीज़ कर रहा था उसका जो फेब्रुअरी की जनवरी की सिक्योरिटी पैच था। तो अब जो है उसके बाद सैमसंग जो है फेब्रुअरी की सिक्योरिटी पैच इतना फास्ट रोल आउट कर रहा है, जैसे कि आप लोगों को बताया कि बहुत सारे डिवाइस को इस महीने में अपडेट मिल गया है सैमसंग की जो फेब्रुअरी 2019 की सिक्योरिटी पैच है। तो बहुत अच्छी बात है, सैमसंग बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। तो अब जो है बहुत यूज़र्स के लिए भी जो बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। तो यहाँ पर जो है आई होप कि आप लोगों का जो मसला था ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है आई होप कि आप लोगों को जो मैं बताया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो गाइस यार लाइक कर देना इस वीडियो को और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना, क्योंकि भाई आप लोगों से बहुत सारा ऐसा लोग होता है जो कि मुझे हेट करते हैं, तो मुझे बहुत सारा ऐसा नेगेटिव कमेंट भी मिलता है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को लाइक करना तो लाइक कर देना, डिसलाइक कर देना डिसलाइक करना, और जिनको कमेंट्स करना है यानी कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश जो बहुत जल्दी करूँगा। तो अब जो है मैं मिलता हूँ आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हैप्पी स्टे कूल ब्रो।